हेलो एवरीवन, आज के सिलेक्शन में हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने पहला क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूँ, दैट इज आस्किंग गेट इलेक्ट्रिकल 2017। क्या है भाई? फॉर द गिवन सर्किट शोन बिलो अज्यूम दैट द ऑपरेशनल एम्पलीफायर आर आइडियल। तो आइडियल एम्पलीफायर है भाई, तो आपने ये रिलेशन निकालना है आउटपुट वोल्टेज वर्सेस बी एस। यहाँ पे बी ऑफ एस गिवन है, ये मेरे पास बी ऑफ नॉट गिवन है, राइट। चलिए, तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, ठीक है, वही वोल्टेज मेरा यहाँ पे होगा ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंसेप्ट, राइट। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो वोल्टेज है राजे आपके पास वो क्या है, जीरो है, समझे मेरी बात। और यहाँ पे वोल्टेज कितना है बोलो, यहाँ पे वोल्टेज कितना है, वी ऑफ एस है, ठीक है। इसका मतलब वी ऑफ एस में से जे वाले ड्रॉप निकाल दो, यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगी, ठीक है। और जे ग्राउंड है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो मेरी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज होगी, जो वी एन आई है वो जे वाली वोल्टेज टू आर के अक्रॉस होगी, ठीक है। लेकिन दोनों जो आपके रेजिस्टेंस है राजे वो सेम ही है अप्रोक्स, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे तो करंट मेरा जीरो जाएगा, जीरो एम्पियर, इधर भी करंट कितना होगा, जीरो एम्पियर होगा। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज आप निकाल सकते हो राजे वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के, टू आर डिवाइड बाई टू आर प्लस टू आर, फोर आर इंटू बी ऑफ एस। तो यहाँ पे जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वहां पे जो मेरे पास वोल्टेज पहुंचेगी राजे, दैट इज बी एस बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज मेरी वी एस बाई टू है राजे, तो यहाँ पे भी वोल्टेज कितनी होगी, बी एस बाई टू होगी। यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, बी नॉट, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए वोल्टेज है मेरा वी वन, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे हम केसीएल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इधर वाला करंट बताओ कितना होगा, बी एस बाई टू माइनस जीरो बाई आर प्लस बी एस बाई टू माइनस बी वन डिवाइड बाई आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो R मेरा LCM दोनों साइड कॉमन आ जाएगा और इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो बचेगा बी एस बाई टू प्लस बी एस बाई टू माइनस बी वन इक्वल टू जीरो। तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, बी एस, ठीक है। इसका मतलब ये जो V1 है इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, V ऑफ S, ठीक है। अब यहाँ पे KCL अप्लाई कर देंगे भाई इस नोड के ऊपर, ठीक है, इस नोड के ऊपर KCL अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो करो अप्लाई KCL, तो यहाँ पे साइड पे कर दें भाई, तो ये हो जाएगा बी एस माइनस, पहले जे वाला करंट देखते हैं, बी एस माइनस बी एस बाई टू डिवाइड बाई रेजिस्टेंस आर प्लस, आप ऊपर वाला देख लेते हैं, ये ग्राउंड से साथ कनेक्टेड है ना जी, यहाँ पे जीरो वोल्ट है, यहाँ पे भी जीरो वोल्ट होगा, राइट। तो बताइए कितना होगा, बी एस माइनस जीरो बाई आर, इधर वाला करंट कितना होगा, बी एस माइनस बी नॉट बाई आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो R कॉमन है भाई, उधर जाके जीरो हो जाएगा, सिंपल वन और वन टू थ्री, तो थ्री वी एस माइनस बी एस बाई टू माइनस बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो V नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, 2.5 ऑफ बी एस, ठीक है। तो 2.5 ऑफ बी एस आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है जी। सिंपल था भाई, क्या डिफिकल्ट लगा, सिंपल था ना, वेरी गुड, ठीक है। तो अगेन एक क्वेश्चन है भाई, टाइप ऑफ फिल्टर के ऊपर आपका क्वेश्चन है, दैट इज आस्क इन गेट इलेक्ट्रिकल 2016। तो इसमें आपने टाइप ऑफ फिल्टर बतानी है भाई, तो टाइप ऑफ फिल्टर के लिए आपने क्या यूज करना है भाई, यहाँ पे हम क्या यूज कर देंगे, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, ये जीरो वोल्ट है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, जीरो वोल्ट हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, ओके है, बिल ओके है सर। और यहाँ पे आपके पास है इनपुट वोल्टेज, राइट। तो इस वाले पॉइंट पे भाई आप केसीएल अप्लाई कर दो, इसको हम क्या यूज कर लेंगे राजे, जैसे हम वहां पे करते थे, इसको हम जेड मान लेते हैं, ठीक है। और इस जेड की जो वैल्यू होगी राजे क्या होगी, सी को क्या लिख देंगे, वन बाय एस सी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आर टू इंटू, ऊपर दोनों की मल्टीप्लीकेशन, नीचे दोनों का समीशन कर देंगे, ठीक है। तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी राजे, एस सी कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो R2 टू डिवाइड बाई वन प्लस आर टू एस सी आपके पास वैल्यू आ जाएगी Z की, ठीक है। तो अप्लाई कर दो भी KCL, जीरो माइनस बी इनपुट डिवाइड बाई कितना हो जाएगा R1 वन प्लस जीरो माइनस बी आउट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है। तो जो V ऑफ आउट है That is equal to minus Z divided by R1 और V input मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी, okay हो जाएगा। तो V out divided by V input इसको हम क्या बोल देंगे, H of S बोल देंगे, that is equal to minus R2 divided by
आर वन बल्ब वन प्लस आर टू एस सी, ठीक है, यही चीज बन जाएगी राजे। अब हम अगर मैं एस ऑफ जीरो की बात करूं, एस ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, माइनस आर टू डिवाइड बाई आर वन विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर मैं एच ऑफ इनफिनाइट की वैल्यू की बात करूं तो एच ऑफ इनफिनाइट पुट करो भाई, नीचे मेरे पास इनफिनाइट हो जाएगा, इनफिनाइट प्लस वन, इनफिनाइट इनफिनाइट इन टू आर वन इनफिनाइट, तो माइनस आर टू बाई इनफिनाइट आ जाएगा विच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जीरो लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए ये नॉट इक्वल टू जीरो है, हायर फ्रीक्वेंसी के लिए ये क्या है, जीरो है। इसका मतलब कौन सा फिल्टर हो गया राजे आपके पास, लो पास फिल्टर। तो इस टाइप के फिल्टर को क्या बोलेंगे, लो पास फिल्टर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा राजे, ऑप्शन ए। ठीक है जी, आपके पास लो पास फिल्टर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए भाई, दैट इज आस्क इन गेट इलेक्ट्रिकल 2015। नाउ ऑपरेशनल एम्पलीफायर शोन इन फिगर हैज ए फाइनाइट गेन एज इक्वल टू 1000 गिवन है। अब देखो गेन इनफाइनाइट नहीं है, इसका मतलब हम वर्चुअल शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है, एंड एन इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस आपके पास इनफाइनाइट है, इसका मीनिंग क्या राजे, यहाँ पे करंट जीरो एम्पियर है और इधर भी करंट आपके पास क्या होगा, जीरो एम्पियर होगा। ठीक है, और स्टेप इनपुट वोल्टेज 1 मिली वोल्ट इज अप्लाइड एट इनपुट एट टी इज इक्वल टू जीरो एज शोन इन फिगर, अज्यूमिंग दैट ऑप एम्प इज नॉट सैचुरेटेड, और ये भी कंडीशन है कि ऑप एम्प आपका सैचुरेटेड नहीं है। द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज बी नॉट इज, तो टाइम कांस्टेंट निकालना है। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, द मिनिमम टाइम एट विच वेव फॉर्म रिपीटिंग। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वेव फॉर्म हम ड्रॉ करेंगे, वहां से मुझे टाइम कांस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आपके पास जो सी है आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो टी बाई टाउ, ये टाउ होता है, यही मेरे पास क्या होता है, टाइम कांस्टेंट। चाहे आप वेव फॉर्म के साथ निकाल लो चाहे इसके साथ निकाल लो, वो देखते हैं आपके पास एक्सप्रेशन कैसा बनता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको देख लेंगे। राइट, ओके है भाई, बिल्कुल ओके है जी। ठीक है, चलिए तो करें सॉल्व इसको। बिल्कुल सर, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं भाई। तो यहाँ पे मेरे पास कैपेसिटर गिवन है, यहाँ पे मेरे पास क्या गिवन है भाई, रेजिस्टेंस 1 किलो ओम गिवन है, और यहाँ पे मेरे पास स्टेप इनपुट वोल्टेज गिवन है। ठीक है जी, स्टेप इनपुट का मतलब क्या है, अगर मैं वी ऑफ आई की बात करूं, वी ऑफ आई इज इक्वल टू दैट इज नथिंग बट 10 रेज पावर माइनस 3, ठीक है, वोल्ट। ओके, तो अगर मैं वी आई ऑफ एस की बात करूं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 10 डिवाइड बाई एस। ओके हुआ, बोलो जी क्लियर है भाई पॉइंट, बिल्कुल ओके है सर। हाँ जी, स्टेप इनपुट का जो रिस्पांस, स्टेप इनपुट है ना, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, यू ऑफ टी है राजी। तो यू ऑफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे टी लेस देन जीरो के लिए जीरो है ना, इसके बाद आपके पास वन मिनी वोल्ट है, तो यहाँ पे साथ में यू ऑफ टी भी लगा दो भाई। ठीक है, इतने वोल्ट है आपके पास इनपुट वोल्टेज, इसका मतलब जो इनपुट वोल्टेज होगी, जो यू ऑफ टी होता है राजी, स्टेप इनपुट, उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, वन बाई एस होता है। ठीक है जी, ओके है भाई, बिल्कुल ओके है सर। ठीक है, तो भाई इसका हम कंसेप्ट यूज करेंगे और आपको आपका आंसर बता देंगे। बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो भाई बताओ जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा सर, वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो बी इनपुट मेरे पास आ गया, इसको मैं हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई एस सी लिख सकते हैं। ठीक है, आर का लाप्लास आर ही होता है। चलिए तो करिए भाई इसको सॉल्व। तो यहाँ पे वोल्टेज है मेरे पास बी ऑफ नॉट, ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है यहां से जो करंट आई जाएगा वो इधर तो जीरो जाएगा, इधर ही जाएगा सारे का सारा करंट। ठीक है, इधर जाएगा, तो ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हो गया, ये मेरे पास इन्वर्टिंग टर्मिनल हो गया। राइट, चलिए बड़े आगे करें सॉल्व फिर। चलिए जी सॉल्व करते हैं भाई। तो सबसे पहले इस करंट की अगर मैं बात करूं, इस करंट आई की अगर मैं इक्वेशन निकालूं, तो आई करंट किसके बराबर होगा राजे, बी आई माइनस बी इन्वर्टिंग टर्मिनल डिवाइड बाई वन के, या आर बोल दो। ठीक है, वन बाई आर, ये आई करंट मेरे पास हो जाएगा राजे। और अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप की बात करूं, अगर मैं यहां से बोलूं ये वाला करंट कितना होगा आई, ये ऊपर से ये वी आई माइनस ऊपर से जो आई करंट होगा राजे, बी इनवर्टिंग टर्मिनल माइनस बी नॉट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस कितना भाई, वन बाई
एस सी है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ, दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे, वी आई माइनस बी इन्वर्टिंग टर्मिनल, या आप ऐसा करिए यहाँ से इन्वर्टिंग टर्मिनल की वोल्टेज निकाल लीजिए, या फिर आप ऐसा करिए इन दोनों को यूज करते हैं इक्वेशन, ठीक है, इनको दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। वन बाई आर वी आई डिवाइड बाई आर विच इज इक्वल टू, हाँ जी, एस सी इंटू वी आई माइनस एस सी इंटू बी ऑफ नॉट, ठीक है। तो वी आई इन्वर्टिंग वोल्टेज यहां से हम निकाल लेते हैं राजे, ठीक है, जे मेरा उधर जाएगा वो मेरा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो वी आई बाई आर प्लस एस सी इंटू वी आई दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, बी इनपुट बाई आर प्लस एस सी बी नॉट, ठीक है। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज जो मेरे पास यहाँ पे आने वाली है, इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, कितनी आ जाएगी इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे ना, तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, आर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, आर मेरा एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा भाई, वन प्लस एस सी आर, और यहाँ से भी आप भाई आर कॉमन ले लो, यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है, वी आई बाई आर प्लस एस सी इंटू बी नॉट, ठीक है। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज मेरे पास जे आ जाएगा, ठीक है, कितना, वी आई वाई आर प्लस एस सी वी नॉट, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे आर इंटू वन प्लस एस सी आर, ओके हुआ, मान लीजिए इक्वेशन नंबर वन है, ठीक है, ओके जी, बिल्कुल ओके है। तो अगर मैं आउटपुट वोल्टेज की बात करूं, इन जनरल केस जो मेरी आउटपुट वोल्टेज होगी राजे, दैट इज नथिंग बट, क्योंकि इनपुट इम्पीडेंस तो मेरा इनफिनाइट है ना, तो अगर इनपुट इम्पीडेंस इनफिनाइट है, दैट इज नथिंग बट ए डी इंटू वी आई डी, यही होता है ना। तो ए डी इंटू वी आई डी क्या होता है, इन्वर्टिंग वोल्टेज, सॉरी नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग वोल्टेज, राइट। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए, ए की वैल्यू कितनी है, 1000 आपके पास गिवन है राजे, और इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, हाँ जी, एन आई की वैल्यू कितनी है राजे, वी एन आई नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की वोल्टेज जीरो है, ये हो जाएगी जीरो माइनस बी आई, आपने कैलकुलेट कर लिया भाई कितनी है, वी आई डिवाइड बाई आर प्लस एस सी वी नॉट, ये तो जीरो को हटा दे भाई, मैं सिंपल हटा ही देता हूं, यहाँ पे सिंपल नेगेटिव आएगा, और हम इसको पूरी फुल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर ही देते हैं भाई, तो ये आएगा वी आई डिवाइड बाई आर प्लस एस सी वी नॉट इंटू आर डिवाइड बाई वन प्लस एस सी आर, ठीक है, ये मेरे पास आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन बनेगा। लेकिन अभी आउटपुट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वी नॉट है, तो वी नॉट को ओकेट करना पड़ेगा राजे, वी नॉट इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो, चलो इसको मैं एक बार ए ही मान लूं, इसको मैं ए ही मान लेता हूं, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए बाद में वैल्यूज पुट कर दूंगा। तो ए वी आई डिवाइड बाई आर इंटू आर डिवाइड बाई वन प्लस एस सी आर माइनस वी नॉट इंटू एस सी ए इंटू आर डिवाइड बाई वन प्लस एस सी आर, ठीक है, ये वी नॉट मेरा इधर जाएगा, ठीक है, V नॉट मेरा कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, वन प्लस, हाँ जी, एस ही ए इंटू आर डिवाइड बाई वन प्लस एस सी आर, दैट इज इक्वल टू माइनस ए बी इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाई, ये आर के साथ आर तो कैंसिल कर दो भाई, ठीक है, तो नीचे क्या बचेगा, वन प्लस एस सी आर, ठीक है। तो इधर भी वही हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना, वन प्लस एस सी आर, तो क्या बचेगा अंदर, ये ऊपर जाएगा वन प्लस एस सी आर प्लस, यहाँ पे क्या है भाई, एस सी आर इंटू ए विच इज इक्वल टू माइनस ए वी इनपुट डिवाइड बाई वन प्लस एस सी आर, ये पूरा फैक्टर कैंसल आउट हो जाएगा भाई। तो आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू रहेगी दैट इज, हाँ जी, कितनी रहेगी, इन दोनों से एस सी आर कॉमन निकाल लेते हैं भाई, ठीक है, निकाल लें, बिल्कुल निकाल लेते हैं राजे, दैट इज इक्वल टू ए वी आई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, वन प्लस, वन प्लस ए इंटू एस सी आर, ठीक है, ये मेरे पास आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो आपने निकालना है भाई टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट निकाल देते हैं भाई इसका, तो वी नॉट दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, अब जो वैल्यूज आपके पास गिवन है वो पुट कर दो भाई, ए की वैल्यू कितनी है 10,000 वोल्टेज, वी आई की वैल्यू कितनी है 10^-3 बाई एस, वन प्लस 1,000
इंटू एस इंटू सी की वैल्यू कितनी है राजे? सी की वैल्यू आपके पास है 1 माइक्रोफेरेड, मीन्स 10^-6 इंटू रेजिस्टेंस आर कितना है भाई? 1 किलो ओम। 1 किलो ओम का मतलब क्या है? 10^3। क्लियर हुआ भाई? जे 10,000 के साथ जे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वी ऑफ नॉट दैट इज इक्वल टू -1/, नीचे है एस, देखो कितना आ रहा है भाई, ये है 1+1001, हाँ जी 10^-3 रह जाएगा, एस इंटू 10^-3, ठीक है, वो भी इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो जे और जे कैंसिल हो जाएगा राजे, तो सिंपल आपके पास क्या बचेगा नीचे? S+1, ठीक है, जे मेरे पास वी नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो इस वी नॉट के लिए हम क्या करेंगे, वी नॉट एस है ना इसकी फॉर्म में, अब इसको टी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, इसके फैक्टर बना लेंगे राजे। क्या फैक्टर होते हैं? 1/a S+1, ठीक हुआ। तो वी नॉट एस की जो इक्वेशन बनेगी दैट इज 1/S+1 - 1/s, ठीक है। तो लाप्लस इनवर्स ट्रांसफॉर्म ले लो राजे यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही इनवर्स लाप्लस ट्रांसफॉर्म मेरे पास आएगा, आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा राजे? e^-t, बोलो, हाँ जी, क्या हमने कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ जी बोलो, कुछ गलत हो गया क्या? नहीं सर, बिल्कुल करेक्ट है। तो देख लो भाई, अगर इसको आप इग्नोर करते हो, क्योंकि यहाँ पे 1001 आ गया था ना, अगर इसको मैं इग्नोर नहीं करता तो क्या आएगा? क्योंकि यहाँ पे तो 1 आंसर आ जाएगा ना मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन है आपके पास, देखो निगलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे जे आ रहा है, जे आ रहा है, जे आ रहा है, जे आ रहा है, चलो एक बार निगलेक्ट करके देखते हैं, एक बार फिर निगलेक्ट ना करके देख लेंगे, ठीक है, दोनों के साथ कंपेयर कर लेंगे, ठीक है जी। ओके है, बिल्कुल ओके है सर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -1, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंपेयर कर लूं राजे, कंपेयर करने के बाद क्या होगा? e^-t/τ, तो यहां से टाउ मेरे पास 1 सेकेंड आ रहा है राजे, ठीक है, 1 सेकेंड, ओके। तो आंसर आपके पास किसमें गिवन है भाई? आपके पास आई थिंक जो ऑप्शन गिवन है जी मिली सेकंड में है। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूं भाई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है भाई इसके अंदर। हाँ, यहाँ पे जो मेरे पास क्वेश्चन था ना राजी, इन मिली सेकंड लिखा हुआ है ना, इन मिली सेकंड, ये जो टाइम कॉन्स्टेंट है आपने कैलकुलेट करना था इन मिली सेकंड। तो आपके पास 1 सेकंड आ रहा है राजे, तो इसको मिली में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जे 1000 तो क्या हो जाएगा राजे? मिली में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1000 मिली सेकेंड, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर राजे 1000 मिली सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई दो ऑप्शन साथ में होते ना, मान लो 999 मिली सेकेंड और 101 मिली सेकेंड, उसके लिए मुझे जानना पड़ेगा, ठीक है, एक्चुअल में क्या लेना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे निगलेक्ट कर दिया था ना फैक्टर्स, यहाँ पे आपने इसको 1000 ही मान लिया था ना, 1+1000 को अप्रोक्सीमेट 1000 ही बोल दिया था, ठीक है। अदरवाइज हम इसको पूरा लेके चलेंगे, ठीक है, उसको पूरा लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था राजे, उसको भी आपने बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया है, ठीक है जी। चलिए बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। दैट इज आल्सो आस्क इन गेट इलेक्ट्रिकल 15, द ऑप एम्प शोन इन फिगर इज आइडियल। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल गिवन है राजे, द इनपुट वोल्टेज इन वोल्टेज, तो इनपुट वोल्टेज आपके पास गिवन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट वोल्टेज वी नॉट इज, तो इस वोल्टेज जो वी नॉट है इसका मैग्नीट्यूड भाई आपको निकालना है। निकालें फिर मैग्नीट्यूड? हाँ जी बिल्कुल निकालेंगे सर। चलिए तो करें स्टार्ट, बिल्कुल करेंगे सर स्टार्ट, हाँ जी। सबसे पहले आइडियल है, अगर ये 0 वोल्ट है तो राजे ये भी क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। इनपुट वोल्टेज आपने ये प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है, 2π मींस ओमेगा टी होता है ना, ओमेगा की वैल्यू आपके पास गिवन है 2π इनटू एफ, विच इज इक्वल टू
टू पाई इंटू 2000, ठीक है, ये आपके पास वही गिवन है, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, क्लियर। तो अगर मैं इसको जेड अज्यूम कर लूं, ठीक है, और इसको R बोल दो, इसको भी R बोल दो, इसको C बोल दो, ठीक है, बाद में वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये Z की वैल्यू है, ये जो Z है दैट इज नथिंग बट दोनों पैरेलल में है, R इंटू 1/SC डिवाइड बाई R प्लस 1/SC। तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, R डिवाइड बाई 1+SCR। ओके, तो अप्लाई करो जल्दी से, V माइनस VI डिवाइड बाई R प्लस V नॉट माइनस सॉरी 0 माइनस V नॉट डिवाइड बाई Z इक्वल टू 0। तो V नॉट की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी राजे, जल्दी से बताओ फटाफट, दैट इज इक्वल टू माइनस जेड बाई आर इंटू बी आई, ठीक है। तो V नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस जेड की वैल्यू क्या है, R डिवाइड बाई 1+SCR इंटू वी ऑफ आई, R के साथ R कैंसिल हो गया भाई। तो V नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस वी आई डिवाइड बाई, हाँ जी कितना आएगा बोलो जी, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा सर 1+SCR, ठीक है, इंटू वी आई है ये आपके पास, ठीक है। लेकिन हमें इसमें किसको, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा राजे, एस को हम जे ओमेगा पुट कर दें, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इसका देख लेते हैं राजे, ठीक है, और फिर जो वैल्यूज है वो हम इसमें पुट कर देते हैं भाई। वी नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई 1+jωCR इंटू वी आई, ठीक है, सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो भाई। तो माइनस 1 डिवाइड बाई 1+jωकी वैल्यू कितनी है भाई, हाँ जी 2π × 2000, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 2π × 2000 इंटू कैपेसिटर C की वैल्यू कितनी है इस केस में, C का वैल्यू निकाली, हाँ जी C का वैल्यू कितना है 0.1 माइक्रोफेरेड, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1 × 10⁻⁶ इंटू रेजिस्टेंस कितना भाई 1 किलो ओम मीन्स, ठीक है, तो आप 10⁻⁶1, 2, 3 कैंसिल आउट हो गया भाई सभी का सभी, बिल्कुल सर, इंटू वी आई, वी आई की वैल्यू पुट कर दो भाई यहाँ पे 2 sin इंटू 2π प्लस सॉरी 2π × 2000t, ठीक है, यही था भाई इनपुट वोल्टेज, हाँ जी यही है, बिल्कुल सर यही है, ठीक है, वेरी गुड। चलो जल्दी से करो इसको सॉल्व, देखो भाई कितना आ रहा है आपके पास, ठीक है, हाँ जी हो जाएगा सॉल्व कि नहीं होगा सर, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, फिर जल्दी करो, पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो सॉल्व करने की भाई, ठीक है। हाँ जी हो जाएगा सॉल्व, बिल्कुल सर हो जाएगा। चलिए तो बी ऑफ नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज -2 डिवाइड बाई, नीचे क्या बचेगा 1+, हाँ जी यहाँ पे 0.1 है, इसका मतलब j 0.2π, ये चीज मेरे पास बच जाएगी इंटू साइन 2π × 2000t, ठीक है। तो बी ऑफ नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो राजे कितना होगा, -2 डिवाइड बाई, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं भाई, तो 1+1² + 0.2π², ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.18 × sin 2π × 2000t, ठीक है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं भाई, तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 1.18, दैट इज माइनस 1. हाँ जी कितना आ रहा है 1.69 × sin 2π × 2000t, ओके। तो V नॉट की वैल्यू आई मेरे पास J आ जाएगी, ठीक है, तो इसका हमें एम्पलीट्यूड निकालना था, ठीक है, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आपके पास क्या हो जाएगा दिस वन, तो V नॉट का जो मैग्नीट्यूड है 1.69 आ जाएगा, ठीक है, 1.69 वोल्ट इज द एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ द
आउटपुट वोल्टेज, करेक्ट हुई बात। तो भाई आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बोलो क्या कुछ डिफिकल्ट था? नहीं था। देखो गलती, देखो भाई यहाँ पे पकड़ी गई एक गलती, यहाँ पे 2π × 2 था ना, तो यहाँ पे कितना आना था? 0.4 आना था, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी गलती भाई आपने एग्जाम के अंदर नहीं करनी है, ठीक है। तो 0.4 × 3.14 कर दिया, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है, इसमें प्लस ऐड कर देंगे 1, फिर इसका अंडरूट निकाल देंगे, तो यहाँ पे जो अंडरूट निकाला है तो यहाँ पे आएगा 1.60, ठीक है, 1.60 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसका एंगल भी होगा राजे, वो एंगल आपका इधर जाके माइनस हो जाएगा, लेकिन उसको निकालने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो 2 को डिवाइड कर दो भाई, तो 1.245 आएगा राजे इसका आंसर, ठीक है, 1.245, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड का? 1.245 वोल्ट। ओके है जी, क्लियर हो जाएगी बात? बिल्कुल हो जाएगी सर, हाँ जी, ओके है भाई, बिल्कुल ओके है। लेकिन अगर मुझे एंगल भी निकालना होता तो मैं क्या करूंगा, इसका एंगल निकाल लूंगा राजे, क्या आ जाएगा? टेन का इनवर्स 0.4π/1, ठीक है, वो भी निकाल लो, वो भी निकाल लेते हैं राजे। तो 0.4 × 3.14 जो भी आंसर आएगा इसका मुझे लेना पड़ेगा टेन का इनवर्स, तो ये आ जाएगा 51.47। ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, 47, ठीक है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनपुट वोल्टेज के कंपैरिजन पे ये जो वी नॉट है इसका एंगल कितना होगा, ठीक है। इनपुट वोल्टेज का एंगल ये देखो 0 डिग्री है, इसका कितना आ गया? -51। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं वी नॉट लैग्स बी आई वाई एन एंगल ऑफ 51.47 डिग्री, ठीक है। ऐसे भी वही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था वही क्वेश्चन भाई यहाँ पे आ गया है। कंसीडर द सर्किट शोन इन फिगर, इन दिस सर्किट आर इज इक्वल टू 1 किलो ओम, सी इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड, ठीक है, और क्या गिवन है? इनपुट वोल्टेज इज साइनोसोडियल, ठीक है, विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, रिप्रेजेंटेड एज ए फेजर विद मैग्नीट्यूड वी आई एंड फेज एंगल 0 रेडियन एज शोन इन फिगर। द आउटपुट वोल्टेज रिप्रेजेंटेड एज फेजर विद मैग्नीट्यूड वी नॉट एंड फेज एंगल डेल्टा रेडियन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट फेज डेल्टा इन रेडियन रिलेटिव टू द फेज एंगल ऑफ द इनपुट वोल्टेज, ठीक है। कुछ नहीं है, आउटपुट और इनपुट वोल्टेज का रिलेशन निकालना है। रिलेशन निकाल के आपने क्या करना है भाई, बोलो क्या करना है आपने? रिलेशन निकाल के हम क्या करेंगे, बस कंपेयर कर देंगे एंगल राजे, ठीक है। तो उसका एंगल निकलने सार आपके पास आपका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है जी। बोलो ओके है, बिल्कुल ओके है सर। चलिए तो जल्दी से फिर फटाफट निकाल दो भाई इसका आंसर। हाँ जी निकाल दोगे, बिल्कुल निकाल देंगे सर, वेरी गुड, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए कि आपके पास यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक है और आइडियल गिवन है आपका ऑप एम्प, इसके अंदर कोई भी मैग्नीट्यूड की कोई वेवफॉर्म नहीं गिवन, एम्पलीट्यूड इसका कोई गिवन नहीं है, इसका मतलब इनफिनाइट ही मान के चलेंगे, ठीक है जी। चलिए वेरी गुड, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी मेरे पास इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग की वाली होगी, ये मेरे पास इन्वर्टिंग वाली हो जाएगी, ठीक है, यहां तक तो ओके है। बोलो जी, बिल्कुल ओके है सर, ठीक है जी। तो मुझे एक चीज बताइए, जो नॉन इन्वर्टिंग की वोल्टेज है राजे उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आपने निकालनी है। तो यहाँ पे ये दोनों वोल्टेज का डिफरेंस आपके पास वी आई ये बना है ना, तो इसको मैं वोल्टेज वी वन बोल दूं, इसको वी टू बोल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है सर। और मैं वी वन माइनस वी टू का जो डिफरेंस है उसको क्या बोल दूं, वी आई एंगल ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब अगर ये v ऑफ 2 है, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ राजे 1/SC के साथ, इसको भी 1/SC के साथ, R आपके पास पड़ी है, ठीक है जी। तो जो वोल्टेज v एन i है दैट इज R के विद रिस्पेक्ट टू है राजे, तो यहाँ पे v2 है, इसके साथ वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दो राजे, तो R डिवाइड बाई R प्लस 1 बाई
एसी इंटू बी ऑफ टू, ठीक हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की जो वोल्टेज आएगी, एलसीएम कितना आ जाएगा, एससी ऊपर चला जाएगा, तो एस सी आर डिवाइड बाई 1 प्लस एस सी आर इंटू बी टू, ये सपोज इक्वेशन नंबर ए आ गया मेरे पास, राइट। चलिए तो यही वोल्टेज मेरे पास इन्वर्टिंग टर्मिनल पे होगी राजे, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे सेम वोल्टेज होगा, ठीक है, लेकिन हम इसको इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज ही अज्यूम करके इसको निकाल रहे हैं भाई अभी, ठीक है। बोलो यार, ओके हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया है सर, ठीक है। चलिए तो निकालो फिर जल्दी से आंसर भाई, तो वी आई माइनस वी वन डिवाइड बाई 1 बाई एस सी प्लस, अगली वोल्टेज लिखिए भाई वी आई माइनस वी नॉट, ठीक है, स्मॉल वी नॉट लिख रहे हैं भाई, देखो दोनों वी नॉट है ना, वी नॉट इसको मैग्नीट्यूड और फेज में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, डिवाइड बाय कितना कर देंगे भाई, रेजिस्टेंस आर है ना वहां पे, रेजिस्टेंस आर हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब वी इन्वर्टिंग माइनस वी वन, ये कितना हो जाएगा एस सी, ऐसे ही हो जाएगा ना, प्लस वी वन माइनस बी नॉट डिवाइड बाय आर इक्वल टू जीरो, यहां तक ओके हो गया भाई, बोलो, बिल्कुल ओके हो गया है सर। तो यहाँ पे अगर मैं इन्वर्टिंग टर्मिनल को अलग लिख दूं बी आई इंटू, हाँ जी, वी आई इंटू एस ऑफ सी माइनस बी वन इंटू एस सी प्लस वी वन बाई आर माइनस बी नॉट बाई आर इक्वल टू जीरो, ऐसे अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है। अब हम यहां से क्या करेंगे, इन्वर्टिंग टर्मिनल की वोल्टेज निकाल देंगे वी आई, ठीक है, वो क्या हो जाएगा वी आई दैट इज इक्वल टू, ये बाकी सभी टर्म आप दूसरी साइड ले जाओ भाई, ठीक है, बाकी सभी टर्म को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, वी आई मेरा कॉमन आ जाएगा एस सी माइनस 1 बाई आर प्लस वी नॉट बाई आर, ठीक है। तो वी आई एस सी, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे आर, तो ये क्या बन जाएगा एस सी आर माइनस 1 इंटू वी वन प्लस वी नॉट बाई आर, ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी भाई, बोलो, बिल्कुल ये इक्वेशन बनेगी सर, ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन बनेगी तो मैं कैसे इसको फर्दर सॉल्व करूंगा रजी, हाँ जी, अरे 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 आपने क्या गलती कर दी यहाँ पे, हाँ ये देखो भाई ध्यान से, यहाँ पे वी आई इन्वर्टिंग वाला था माइनस वी नॉट जो किया था आपने, है ना, तो यहाँ पे वी आई था, वी वन नहीं था यार, तो यहाँ से तो आपकी पूरी की पूरी गड़बड़ होगी भाई, ठीक है। तो ये आपने एक्सप्रेशन गलत कर दिया भाई, या तो आप उसको वी ए वी वी मान लो यार, क्योंकि वी वन वी टू में कन्फ्यूजन हो रही है ना, तो उसको वी ए या वी वी मान लो यार, ठीक है, सो दैट आपकी गलती ना हो, ठीक है। तो उसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे यहां से और यहां से वी आई कॉमन आ जाएगा, इसका बनेगा एस सी प्लस 1 बाई आर, ये दोनों फिर हम दूसरी तरफ ले लेते हैं, फिर तो रोल ही खत्म हो जाएगा भाई, तो वी वन एस सी प्लस बी नॉट बाई आर, तो ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी राजे, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम हम ले लेते हैं राजे, कितना आर एलसीएम ले लें, बिल्कुल ले लेते हैं सर, इधर साइड भी ले लेते हैं भाई, तो एस सी आर प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू बी वन एस सी आर प्लस वी नॉट वी बाई आर हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, बोलो, बिल्कुल ठीक है सर। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल की वोल्टेज क्या आएगी, एस सी आर इंटू बी वन प्लस वी नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस एस सी आर, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके हो गया भाई, बिल्कुल ओके हो गया सर। और वर्चुअल शॉर्ट सर्किट वोल्टेज और ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट सर्किट आपकी जो इन्वर्टिंग टर्मिनल की वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज, ये आप ऑलरेडी जानते हो, बिल्कुल जानते हैं सर। तो फ्रॉम ए एंड टू, तो मेरे पास दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देते हैं ना जी, तो एस सी आर डिवाइड बाई 1 प्लस एस सी आर इंटू वी ऑफ टू दैट इज इक्वल टू एस सी आर वी वन प्लस वी नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस एस सी आर, ठीक है, जी एस सी आर के साथ एस सी आर कैंसल आउट हो जाएगा, बिल्कुल कैंसल आउट हो जाएगा सर, वेरी गुड। तो यहां से हम वी ऑफ नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे राजे, ये मेरा दूसरी तरफ जाएगा
वी ऑफ नॉट की वैल्यू कितनी किसके इक्वल आ जाएगी राजे, एस सी आर इंटू वी टू माइनस एस सी आर इंटू वी वन। ठीक है, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस एस सी आर बाहर निकाल लो तो क्या बनेगा, वी वन माइनस बी टू। ओके, ये चीज बन जाएगी, बिल्कुल यही चीज बन जाएगी, जो वी वन माइनस वी टू आ रहा है, ये क्या हो जाएगी मेरी, बोलो यार, ये मेरे पास हो जाएगी मेरी इनपुट वोल्टेज। ये देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा था, इसको हम लिख सकते हैं वी आई एंगल ऑफ जीरो डिग्री, वी आई एंगल ऑफ जीरो डिग्री, और वी नॉट की वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, कैपिटल वी नॉट एंगल ऑफ डेल्टा विच इज इक्वल टू, हाँ जी इसको हम कन्वर्ट कर दें इसके एंगुलर फॉर्म में, तो जे ओमेगा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो भाई, एस सी आर इंटू वी आई एंगल ऑफ जीरो डिग्री। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा दैट इज इक्वल टू, हाँ जी माइनस जे को क्या लिखें, 90 डिग्री लिख दें, ओमेगा सी आर इंटू वी आई एंगल ऑफ माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से डेल्टा कंपेयर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 90 डिग्री, लेकिन इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई डिवाइड बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2 रेडियन। अरे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज माइनस पाई बाय 2। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका भाई करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, समझ में आई पूरी कहानी, बोलो आसान था, कोई डिफिकल्ट तो नहीं था इसके अंदर, बस जस्ट कैलकुलेशन थी आपकी। ठीक है जी, हम मान के चल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इस टॉपिक को करते हैं भाई क्लोज। तो लिखिए इसमें क्या गिवन आपके पास, इन दिस सर्किट शोन बिलो ओप एम्प आर आइडियल, द वी आउट इन वोल्ट इज, वी आउटपुट वोल्टेज भाई आपको चाहिए। ठीक है, हाँ जी निकालें, बिल्कुल निकालते हैं सर, और आपको ये चीज क्लियर है, इधर करंट जाएगा जीरो एम्पियर, तो इसका मतलब ये जो वन वोल्ट है, नीचे वाला वन वोल्ट है, वो पूरा का पूरा इधर आ जाएगा, क्योंकि ड्रॉप आपके पास कोई भी नहीं है, और यही वन वोल्ट मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और यही वन वोल्ट मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर देंगे राजे, बोलो जी, KCL, तो करो फिर अप्लाई KCL, तो कितना होगा भाई, वन माइनस ऑफ माइनस टू वाई वन के प्लस वन माइनस, यहाँ पे वोल्टेज कोई मान लो वी ऑफ ए, वी ए डिवाइड बाई वन के इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वन के कॉमन आ जाएगा, उधर जाके जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे वन प्लस टू प्लस वन माइनस वी ए उधर चला जाएगा, तो वी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास फोर वोल्ट है राजे, ये पॉजिटिव पे चला गया, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट फेयर लगा देंगे, इसका मतलब यहाँ पे भी कितना हो गया, 4 वोल्ट, और यहाँ पे कितना हो गया राजे, 4 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है राजे। ठीक है जी, हाँ जी ओके हो गया भाई, बिल्कुल ओके हो गया सर, यहाँ पे है 0 एम्पियर, यहाँ पे KCL अप्लाई कर दो भाई। ठीक है, तो अप्लाई करो KCL, तो 0 माफ करना 4 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 के प्लस 4 माइनस बी आउट डिवाइड बाई 1 के इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ठीक है, 1 के उधर जाके जीरो हो जाएगा, 4 प्लस 4 माइनस वी आउट इक्वल टू जीरो, तो वी आउट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी राजे, 8 वोल्ट। कितना आसान था ना, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखने को कितना बड़ा लग रहा था। ठीक है, चलिए ये थे भाई आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको जस्ट आपको आइडिया दिया है, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, जो भी चीज निकलेगी, जो चीज आपको बताई गई है, जस्ट उसका यूज करके ही निकलेगी। ठीक है, चलिए तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।